चौधरी कुमाराम आर्य रियासतकालीन मंत्री रहे। आज़ाद भारत में भी कई दफ़ा मंत्री रहे, पूर्व सांसद। शुरुआती दौर में आर्य पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सरकारी नौकरी की, कुछ समय लाहौर में कांस्टेबल पद पे रहे, जंगलात की नौकरी की, फिर कम उम्र के कारण उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने हनुमानगढ़ में जंगलात की नौकरी करी और फिर काफ़ी समय के लिए राजगढ़ में भी उन्होंने पुलिस के पद पे नौकरी की। अब आर्य की ज़िंदगी में नया मोड़ राजनीति का आया। बीकानेर रियासत में वो सर्वप्रथम राजस्व मंत्री बने। यह बात साल 1948 की थी। उस दौरान कुमाराम आर्य ने तीन महत्वपूर्ण कार्य किए। राजस्व पद पे रहते हुए उन्होंने किसानों को खातेदारी दी, यह पहला कार्य था। पूर्व में नहर, तालाब, हर प्रकार के सिंचाई के साधनों पे सरकारी टैक्स लगता था, लेकिन कुमाराम आर्य ने उस टैक्स से किसानों को निजात दिलाई। बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए परिवारों को कुमाराम आर्य ने 25 बीघा भूमि हर परिवार को अलॉट की। इसके बाद किसान को खेत में अपनी ज़रूरत के अनुसार पेड़ काटने का अधिकार भी चौधरी कुमाराम आर्य ने दिया और प्रदेश में सहकारी समितियों का गठन कुमाराम आर्य ने किया और जयपुर में सहकार भवन का निर्माण करवाया। दूसरी दफ़ा आर्य साल 1952 में चूरू से विजयी हुए और प्रदेश में गृह मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। क्रय विक्रय सहकारी समितियों का गठन कुमाराम आर्य ने किया। राजस्थान में एक साथ सभी किसानों को खातेदारी दिलाने का कार्य चौधरी कुमाराम आर्य ने किया था। उस समय गृह मंत्री के नाते चौधरी कुमाराम आर्य ने पुलिस के अधिकारियों को सीधे IPS पद पर नियुक्त किया और इस बात का विरोध हुआ था, लेकिन कुमाराम आर्य ने कर दिया। गृह मंत्री के बाद साल 1960 में कुमाराम आर्य राज्यसभा सांसद नियुक्त किए गए। प्रदेश में चौधरी कुमाराम आर्य के नाम से वर्तमान में अनेक स्कूल संस्थाएं संचालित है और प्रदेश में कुछ किसान संगठन भी चौधरी कुमाराम आर्य के नाम से बनाए गए हैं। चौथी दफ़ा अपने गृह जिले हनुमानगढ़ से चौधरी कुमाराम आर्य विधायक के रूप में नियुक्त हुए और पद मिला रेनवो मिनिस्टर। यह वह दौर था जब चौधरी कुमाराम आर्य ने अपनी नई पार्टी बनाई जनता पार्टी और पार्टी को 1967 के विधानसभा चुनाव में सीटें मिली 88। आर्य के विपक्ष के खेमे में मोहनलाल सुखाड़िया थे, उन्हें भी 88 सीटें मिली। कांग्रेस मुख्य पार्टी होने के कारण मोहनलाल सुखाड़िया को राज्यपाल ने निमंत्रण दिया सरकार बनाने का। इस बात का विरोध करने के लिए चौधरी कुमाराम आर्य राष्ट्रपति भवन गए, लेकिन उस समय चौधरी कुमाराम आर्य की पार्टी से झालावाड़ से निर्वाचित विधायक की मृत्यु हो जाती है और चौधरी कुमाराम आर्य का एक विधायक कम होने के कारण मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनती है। फिर आर्य पुनः कांग्रेस में शामिल होते हैं और साल 1968 में राज्यसभा सांसद नियुक्त होते हैं। इसके बाद अगली कड़ी में चौधरी कुमाराम आर्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला और आर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चौधरी कुमाराम आर्य के हाथ से मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने का दूसरा सुनहरा मौका निकल गया था। फिर आर्य चौधरी चरण सिंह की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से सीकर से सांसद बने। इसके बाद आर्य धीरे धीरे राजनीति से निष्क्रिय हो गए और उनकी पुत्रवधू सुचित्रा आर्य नोहर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक बनी। विधायक श्री सुचित्रा आर्य के बेटे श्री विशुपाल आर्य नोहर विधानसभा के पंचायत समिति प्रधान रह चुके हैं। नमस्कार, विलेज लाइफ इंडिया पे इतना ही। यह थी चौधरी कुमाराम आर्य से जुड़ी कुछ राजनीतिक यादें और उनके परिवार का राजनीति में कितना कदम है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। विलेज लाइफ इंडिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो बाई रवि चौधरी, नोहर, राजस्थान।